टेंथ क्लास में। फिर हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, मैंने आपको पढ़ाया है कि पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन के बाद में हम लोगों ने एक और क्या पढ़ा था, इंटरसेक्टिंग लाइन है ना। तो तीन तरह की लाइन होती है, तीन तरह की लाइन अगर हम पेयर ऑफ लाइन ड्रॉ करेंगे तो तीन तरह का लाइन बनेगी। तो उससे पहली लाइन कौन सी कि या तो वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी वन पॉइंट पर, यूनिक पॉइंट, उसे अपन बोलते थे यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है ना। दूसरा पार्ट हम ये देखते थे कि पैरेलल लाइन होती थी, दोनों पैरेलल लाइन दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती नहीं तो उसे अपन बोलते हैं नो सॉल्यूशन। और थर्ड वन जो आता है वो हमने देखा था कि एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर कोलिनियर, इट मींस इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, और उसके हमने कंडीशंस भी देखी थी, है ना। अब अपन करते हैं एक्सरसाइज 3.1, और 3.1 में तीन ही क्वेश्चन है ना। तो मेरे पास इधर क्वेश्चन में बोर्ड पे लिखे हुए हैं, और आप अगर देखें तो पहला क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं। मैं उस क्वेश्चन को एक बार रीड कर देता हूँ। क्वेश्चन को मैं अगर रीड करूँ तो क्वेश्चन ऐसा लिखा हुआ है, आफ्ताब और उसकी डॉटर के बारे में कुछ क्वेश्चन है, तो हम देखते हैं, है ना। तो उसमें लिखा हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू। तो हमने ऐसा लिखा कि आफ्ताब है और उसकी क्या है डॉटर, ठीक है। आफ्ताब की एज को अपन एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं और डॉटर की एज को अपन काहे से रिप्रेजेंट कर दें, या तो वाई से कर दें, वाई से कर देते। चलिए, हमें लिखा हुआ है कि आफ्ताब इज 7 times older देन डॉटर, 7 times। अच्छा, तो आफ्ताब की एज जो है वो हमने अगर एक्स मानी है तो डॉटर की और उसकी एज सेम करने के लिए मुझे डॉटर की एज में 7 का मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है ना। क्योंकि बाय द वे आपकी एज अगर 15 ईयर है और आपके पेरेंट्स की एज 45 ईयर है ना, ये पेरेंट्स हैं या आप हैं, है ना। दोनों को अगर इक्वल करना है तो मैं आपको 9th में बता चुका हूँ कि हमेशा मल्टीप्लाई किस में होता है, स्मॉलर वन में, है ना। तो जो स्मॉल है, हम सन या डॉटर वो तो छोटी होगी, तो उसमें मल्टीप्लाई किसका हुआ, 7 का, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन ये बन गई, x इज इक्वल टू 7y, या इसे अपन ऐसा भी बोल सकते, इसे ना लिखो तो आप ऐसा लिख सकते x माइनस 7y इज इक्वल टू 0, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, ज्योमेट्रिकल इक्वेशन। और सेकंड इक्वेशन के लिए मुझे भी पढ़ना पड़ेगा कि उसमें क्या बना है। मैं थोड़ा सा ही पढ़ता हूँ और उसके बाद में उसे तुरंत समझ जाता हूँ कि भी इसमें लिखना क्या है, कोशिश करते वन बाय वन। देन इट इज रिटन दैट I shall be 3 times as old as you will be after how many year? 3 years from now. 3 years from now. तो यहाँ से अगर देखें कि आफ्ताब, this is the present age. After three year. तो after 3 years आफ्ताब की एज कितनी हो जाएगी भैया? आफ्ताब is equal to x plus 3. एंड कौन डॉटर, तो उसकी डॉटर की एज कितनी हो जाएगी, वाई प्लस 3। और आफ्ताब बोलता है तब मैं 7 times नहीं रहूंगा, कितने टाइम्स हो जाऊंगा, 3 times हो जाऊंगा। तो मैंने यहां लिखा 3, सॉरी इसको लिख दिया, अब हमने एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू लिख दिया 3 times ऑफ y प्लस 3, क्योंकि हम तो हमेशा छोटे होंगे अपने फादर से, मल्टीप्लाई हमारी एज में ही होगा जो छोटा होगा। तो अपने पास में आ गया x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y plus 9। अच्छा, एक काम करते हैं, 3y को इधर ले आते, 3 को उधर फेंक देते, तो हमारे पास में जो निकल के आएगा वो यहाँ से एक स्टेप इधर लिख देता हूँ यार, है ना। तो यहाँ पर ये x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, दिस इज द इक्वेशन 6। ब्लॉक बना देता हूं जिससे आपको ध्यान रहे कि दो इक्वेशन कैसी थी।
हमें सिर्फ इसका जो प्रेजेंटेशन था, मुझे ऐसा लगता है कि ये इक्वेशन ही बनानी थी। और अगर हम आगे देखें तो हमें दिया हुआ है रिप्रेजेंट दी सिचुएशन एल्जेब्रिक एंड ग्राफिकली, तो एल्जेब्रिक पार्ट तो मैंने इसका ये बना दिया, ठीक है, ये एल्जेब्रिक, ये इक्वेशन बन गई, ये जो बन गई वो इक्वेशन बन गई। अब अपन इसे क्या करते हैं, हम इसे ग्राफिकली सॉल्व करते हैं। तो ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए मैं है ना इक्वेशन लिख लेता हूँ मेरे पास जो बनी हुई है, और मेरे पास में जो इक्वेशन यहाँ बनी हुई, तो पहली तो ये मैंने लिख ली बेटा x माइनस सेवन वाई इज इक्वल टू जीरो, ये फर्स्ट। और सेकंड इक्वेशन कैसी है, x माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू सिक्स। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, इसे ग्राफिकली सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ और ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूँ। चलिए आप इतना सा नोट कर लें, फिर अपन आगे बढ़ जाते हैं, है ना बेटा। चलिए प्लीज़, जो एक इक्वेशन पहली वाली निकाली उसमें एक वर्ड मैं पढ़ना भूल गया, वहाँ पे लिखा था सेवन ईयर अगो, है ना। तो अपन ने एक्स ली थी, वो पहली वाली इक्वेशन बना रहा हूँ बेटा कि सेवन ईयर अगो, तो आफ्ताब की एज उस समय होगी x माइनस सेवन, तब वो बच्चे की जो एज होगी उसके वो सेवन टाइम्स रहेगा, सेवन टाइम्स ऑफ y माइनस सेवन, है ना। ये था सेवन ईयर अगो द आफ्ताब इज सेवन टाइम्स ऑफ इस सन। तो आज की एज अगर अपने पास x और y है, तो सेवन ईयर अगो 7 साल पहले आज जीती है जो उससे 7 कम, तो x माइनस सेवन इज इक्वल टू 7y माइनस 7। अच्छा चलिए इसे थोड़ा सॉल्व कर दें, क्योंकि मैंने उसके बेस पे बना लिया था, ये हो गया 7y माइनस 49। अच्छा आंसर आ गया अपना x माइनस सेवन वाई, इसको इधर ले आए, इज इक्वल टू माइनस 42, ऐसा आ गया, ठीक है। तो x माइनस सेवन वाई इज इक्वल टू 42, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब इसका ग्राफिकली सॉल्यूशन बना लेते हैं। वैसे कल मैंने जब आपको बताया था सब्स्टिट्यूशन मेथड इक्विलेटिंग द कोएफिशिएंट, अब मैं इसे थोड़ा सा समझा भी देता हूँ यहाँ पर। तो ये मेरे पास हुआ x माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू 6, है ना, x माइनस सेवन वाई इज इक्वल टू माइनस 42, हमने इसे अगर सॉल्व कर दिया माइनस प्लस प्लस, तो ये कितना आ गया 4y इज इक्वल टू 48, यानी y इज इक्वल टू 12 आ गया। सब्स्टिट्यूट द y इज इक्वल टू 12, तो ये 36 उधर गया तो 42 हो जाएगा, x इज इक्वल टू कितना हो गया 42। फादर की एज 42 आज, और सन की एज 12, सेवन ईयर अगो दिस इज द 35 एंड दिस वन इज 7, तो है ना। ऐसा हमारे पास में जो पार्ट आया, हमें कितना दिया है 7 ईयर अगो, 7 ईयर अगो जो आएगा, यह आ गया 42, यह आ गया 12, ये आएगा 7 ईयर अगो, इट इज 35 एंड दिस वन इज 5, तो ये कितने टाइम्स हो गया 7 टाइम्स आ रहा है। और ये अपने को दिया है कि 7 साल पहले उसकी एज 7 टाइम्स हो रही है क्या, हाँ, इसकी एज 7 साल पहले 5 ईयर होगी, इनकी कितनी होगी 35, तो दिस इज द एज। द नेक्स्ट पार्ट इज आफ्टर 3 ईयर, तो फादर कितने के हो जाएंगे आफ्टर 3 ईयर, इट इज 45, आज 42 के हैं, 3 ईयर बाद कितने हो जाए 45, ये कितने के हो जाए बेटा 15, तो कितने टाइम्स हो गया 3 टाइम्स। तो हमने जो क्वेश्चन करा उसका एक्स और वाई जो आ रहा वो सही आ रहा है, हमने मान लिया, इक्वेशन भी जो बनी वो सही बनी। अब हम फर्स्ट इक्वेशन जो दे रखी है एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू 6, तो हम उसके क्या निकाल लें, हम वैसा निकाल लेते हैं एक्स इज इक्वल टू 0, हमने निकाला एक्स और वाई, एक्स इज इक्वल टू 0, तो वाई इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 2, समझ लो, और y इज इक्वल टू 0 रख दें तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 6। सिमिलरली इसका रखते हैं, पर ये जरा बड़ा उल्टा सीधा पार्ट आया है, देखो एक तरफ 42 ऐसा आ गया है, फिर भी हम निकालते हैं, मेरे पास तो वही x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 2 करके अपन निकालने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो x इज इक्वल टू 0
एक्स इजिकल टू जीरो अपन रख देते हैं, एक्स इजिकल टू जीरो, तो वाई इजिकल टू आ गया सिक्स। ओहो, वाई इजिकल टू कितना आ गया, सिक्स है ना, ये माइनस से माइनस, सेवन सिक्स 42। और वाई इजिकल टू जीरो रख दिया, ओहो वाई इजिकल टू अगर मैं जीरो रख दूँ, y is equal to 0 रख दूँ तो x is equal to minus 42 आ जाएगा। तो अपन एक काम करते हैं कि y is equal to कुछ और रख देते हैं, y is equal to कुछ और रख देते हैं, है ना, तो कुछ कैंसिल हो जाए, y is equal to 3 रख देते हैं, y is equal to minus 3 रख देते हैं, तो ये हो जाएगा, फिर भी बड़ी वैल्यू हो जाएगी। तो अपन यहाँ पर कुछ ऐसा रखें जिससे कैंसिल हो जाए, वही रख देते, चलो जाने दो। y is equal to 0 रख दिया तो x is equal to minus 42 आ गया। अब हमने इसका ग्राफ बनाना है, ग्राफ, वो ग्राफ में मेरी हेल्प करना, क्योंकि ये है ना माइनस में भी जा रहा है और प्लस में भी जा रहा है, और आप जब वो ग्राफ पे बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा बनेगा। मैंने तो इसमें क्या करा, क्योंकि माइनस 42 बड़ी दूर तक आ रहा है, तो मैंने इसकी छोटी छोटी पार्ट कर दी, 10, 20, 30 और 40, 10, 20, 30 और 40, 10, 20, 30 और 40, 10, 20, 30 और 40। अच्छा, इसमें अगर हम देखें तो अपने पास में पहला वाला पहली लाइन बना लेते हैं, 0-2 है ना, तो 0-2 जो होगा वो यहाँ कहीं पर होगा, 0-2, 0-2, ठीक है। दूसरा है 0, 6, 0, वो यहाँ पर होगा, तो ये लाइन यहाँ से ऐसे पास आउट हो जाएगी, ये वाली कौन सी लाइन बेटा, x-3y = 6। इन क्वेश्चनों में टाइम तो लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको समझ में आ रहा हो ना तो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर लेना, है ना, पिक्सल थोड़े बड़े रखना, ज़्यादा रखना, जिससे छोटे अक्षर भी आपको दिखने में आ जाए। अच्छा, x = 0, y = 6, एक पार्ट तो यहाँ पर है ना, 0, 6, x = 0, y = 6, ऐसा कुछ रख लिया। और फिर अपने पास में एक आया x = -42, तो वो कहीं यहाँ जाएगा, ये लाइन जब जाएगी वो अपन ने लिखा -42, 0, तो ये लाइन जो जाएगी वो ऐसे होते हुए दो पॉइंट से जाएगी, ये वाला पॉइंट जो आएगा वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट रहेगा, और हमारे पास में जो भी पॉइंट आया है वो हम देखें तो y = 12, थोड़ा सा ग्राफ अच्छा बनेगा तो वहाँ पर आएगा, ठीक है। तो ये मैंने ग्राफ बना, ये ग्राफिकली सॉल्यूशन है ग्राफ पे बनाने के लिए, ठीक। ये है क्वेश्चन नंबर 1, 3.1 का, और मैं इसमें आपने देख लेना इसे बार बार, फिर मैंने इसको देखा, दूसरा क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं जिसमें बेट और बॉल का क्वेश्चन शायद दिया हुआ है, उसे अपन सॉल्व करते हैं। अच्छा, हमने देखा, आप अगर सेकंड क्वेश्चन देखो इसका, तो सेकंड क्वेश्चन आपको दिखेगा वहाँ पर, और सेकंड क्वेश्चन 3.1 का क्या है कि थ्री बेट को हमने एक्स मान लिया है ना, एक्स से एज्यूम कर लिया, थ्री बेट एंड सिक्स बॉल, हाँ, उसकी कॉस्ट कितनी है, 3900 रुपीस, थ्री बेट्स एंड सिक्स बॉल है द कास्ट 3900। देन शी परचेस अनादर बेट, ये थे वन बेट, मैंने वन बेट माना, अनादर बेट एंड थ्री बॉल, देन द कॉस्ट इज 1300। अच्छा देखो, इसमें एक चीज़ अच्छी दिखती है, हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो अपन वो मेथड है ना अपने पास में, सब्स्टिट्यूशन मेथड, और कौन से, इक्विलेटिंग द कोएफिशिएंट, हम इक्विलेटिंग द कोएफिशिएंट से सॉल्व करते, देखो एक बढ़िया सा रिजल्ट इसमें आ रहा है जी, क्वेश्चन मेरे पास बोर्ड पे जैसा लिखा हुआ उसके हिसाब से, हाँ, वन बेट, हाँ, अनादर बेट, तो वन वन का माना है ना, तो यहाँ पर वन बेट, तो हमने इसको सॉल्व करा, कहीं कहीं बुक्स में दूसरा भी लिखा हुआ है ना, तो इससे क्या आता अपन तो वो आंसर देखते हैं, वन बेट एंड थ्री बॉल्स, देन दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, कौन सी, 3x + 6y = 3900। अच्छा, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर लेते, ये हो गया 3x + 9y = कितना हो जाएगा, 3900, 3 का मल्टीप्लाई है ना, बहुत अच्छी एक चीज़ समझ में आती है, उसने बोला कि ये माइनस का 3y और ये आ गया 0, तो y = तो क्या आ गया, 0, y 0 आ गया, इसका मतलब क्या कि बाल क्या फ्री में देगा क्या वो,
हाँ इसमें लिखा हमारे पास कास्ट तो वही है, जो जो क्वेश्चन दिया हमको पता नहीं पीछे आंसर, आंसर तो यही रहेगा इस क्वेश्चन का। लेकिन अगर बाय द वे किसी बुक में उसने वन बेट की जगह टू टू बेट यहाँ पे लिख दिया हो तो फिर बात अलग है ना। चलिए, नहीं तो इस क्वेश्चन के हिसाब से तो बॉल वो फ्री में देने वाला है आपको। और अगर मैंने y इज इक्वल टू जीरो रख लिया तो यह आ गया x प्लस थ्री वाई, एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू कितना, x प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू 1300। तो y इज इक्वल टू मैंने जीरो रखा तो x इज इक्वल टू, ये है बीट है ना, वन बीट की कास्ट। तो द कास्ट ऑफ द बीट इज 1300। अच्छा इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, x इज इक्वल टू 1300 एंड y इज इक्वल टू जीरो, तो ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो जो मेरे पास क्वेश्चन लिखा है उसके हिसाब से बॉल तो फ्री में दे रहा है, ले आओ हाँ एक डजन बॉल ले आओ उसे, और बेट वो आ रहा 1300। ऐसा भी हो सकता है कि बोलेगा कि बेट लोगे तभी बाल दूंगा, ऐसा भी हो सकता है। चलो खैर, अच्छा इसका ग्राफ मैं यहाँ प्लाट नहीं कर रहा हूँ, तो आप ग्राफ एक बार उसका देख लेना, ठीक है बेटा। मैं एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और बचा हुआ उसका वो सॉल्व कर लेते 3.1 का। तो जैसे मैं 3.1 का एक क्वेश्चन और सॉल्व करता हूँ, तो उसमें लिखा हुआ ऐसा है, द कास्ट ऑफ ग्रेप्स एंड द, हमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और जैसा क्वेश्चन में लिखा है द कॉस्ट ऑफ 2 kg apple एंड 1 kg ग्रेप्स आई थिंक सो इज इक्वल टू 160 rupees लिखा हुआ है। और फिर वन मंथ आफ्टर द वन मंथ फिर उसने हमें एक इक्वेशन और बना के दे दी, वो ये दे दी कि 4 kg एप्पल एंड 2 kg ग्रेप्स द कम्बाइंड कास्ट इज 300। आपको याद हो अगर हमने कल जो वीडियो बनाया था उसमें आपने अगर देखा हो तो आपको समझ में आ रहा है, सबसे पहले तो जैसे आपको कुछ मिले ना बेटा ये, तो इनके रेशियो निकाल लिया करो, हमेशा हमेशा निकाल लिया करो। 2/4 यानी कितना हो गया, 2 से ये कटा तो 1/2, ये 1/2, और ये जो है वो 160 और 300, C1/C2। आपको याद है कि अगर बाय द वे ऐसा होता था A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, तो दो लाइनें कैसी बनती थी आपको याद है, तब हम देखते थे कि हमारी जो लाइंस बनती थी वो कैसी बनती थी, पैरेलल। तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा उसमें कोई भी वैल्यू आपस में एक भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं होगा, देयर इज अ नो सॉल्यूशन, ऐसा होगा ही नहीं। जैसे अगर बाय द वे मैं रख दूं तो पता चले हमारे पास इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देते तो ये कितना आ गया, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 320। 2 का मल्टीप्लाई करा इसमें बेटा, है ना, इसमें 2 का करा, इसको एज इट इज रहने दिया, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। अब देखो अगर माइनस में कर दिया तो ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, और इधर आ गया 20, किसका, कुछ भी नहीं आया। तो इसीलिए हम इसे बोलते हैं कि इसका जो सॉल्यूशन है वो नो सॉल्यूशन है। इसे ड्रॉ करोगे हाँ ग्राफिकली तो रिप्रेजेंट हो जाएगा, ग्राफिकली रिप्रेजेंट हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू कुछ वैल्यू रखो, वाई इज इक्वल टू कुछ वैल्यू रखो। अगर आप बोलें तो मैं इसे सॉल्व करूँ, देखते चलो हम इसका ग्राफ बनाते हैं, थोड़ा सा मेरे सपोर्ट करना अगर इसमें है तो अपन ग्राफ बनाते। वैसे एक्स और वाई तो आएगा नहीं क्योंकि इसको ये याद रखिएगा, है ना बेटा, इसको बोलते हैं नो सॉल्यूशन। चलिए मैंने एक काम करता हूँ, टेबल बना दो आपके लिए कि आप बना लेंगे, चलो टेबल बना लेते हैं सबसे पहले। तो मैंने टेबल ही बनाई, टेबल बनी एक्स और वाई में, एक्स और वाई में, एक्स इज इक्वल टू जीरो तो ये हो गया जीरो, एक्स इज इक्वल टू जीरो, वाई इज इक्वल टू 160 और वाई इज इक्वल टू जीरो तो एक्स इज इक्वल टू 80, वेरी गुड। चलो अब दूसरा बनाते हैं, हाँ कभी कभी अपने को भी अप्रिशिएट करना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं, हाँ खुद को भी अप्रिशिएट करना चाहिए, आंसर अगर हमारा सही आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, मजा आ गया, ठीक है। तो फिर हमने रखा x इज इक्वल टू जीरो, वाई इज इक्वल टू 150, x इज इक्वल टू जीरो, वाई इज इक्वल टू 150, और y इज इक्वल टू जीरो, y इज इक्वल टू जीरो तो x इज इक्वल टू
x इज इक्वल टू 75 आएगा, है ना, 75 आया। चलो तो मैंने इसे ऐसा बनाया बेटा, यहाँ पर ग्राफ बना देता हूँ, है ना। ये पहली लाइन, इस बार मैं बहुत सारा बोर्ड पे लिख नहीं रहा हूँ, है ना। तो हमने इसको लिखा x और y, ये पहला पॉइंट, तो अपन ने बनाया 100, ये 200, ये 100 और ये 200। तो x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 160, यानी लगभग यहाँ 0 160। आप लोग ज़्यादा अच्छा बनाएंगे ग्राफ पे, मुझे पता है ग्राफ पे आप ज़्यादा अच्छा बनाएंगे, है ना। और ये आ गया यहाँ पर, तो ये 0 160 आ गया, और दूसरा है 80 80 और 0, तो ये मेरे पास आ गया 80 और 0। तो ये मैंने ऐसा बना दिया, ये लाइन एक ही। अच्छा, अगर आप देखा जाए, ये देखो मेरे पास यहाँ से आप बोर्ड पे लाइन जो बनती है वो ऐसी ही बनती है बेटा। अच्छा, दूसरा अगर मुझसे लिया जाए तो ये बनेगा 150, तो वो लाइन जो जाएगी वो 150 आपने बनाना, क्योंकि मुझसे ये वाला पार्ट, ये 150 और 75, तो ये दोनों लाइनें आपस में ऐसी क्या चले जाएगी, पैरेलल। तो हमने देखा कि अगर a1 upon a2 इज इक्वल टू b1 upon b2 इज नॉट इक्वल टू c1, ये पार्ट जो है वो ग्राफ पे ज़्यादा अच्छा बनता है। जब ग्राफ पे आप प्रैक्टिस करेंगे तो मुझे लगता है कि आप मुझसे ज़्यादा बेटर बना पाएंगे ग्राफ के ऊपर। ठीक, तो आज हमने इतना ही पढ़ा, ये तीन क्वेश्चन हमने सॉल्व करे, और तीनों क्वेश्चनों में हमने ऐसा देखा 3.1 कर दिया, जितना इतना ही देखते हैं, है ना। फिर कल जब अपन देखेंगे तो 3.2 देख लेंगे। मेरे पास, आपके पास में इसके पहले भी आज एक वीडियो आएगा, है ना, जिसमें इसके पहले का पार्ट, जिसमें ये लिखा हुआ a1 upon a2 इज नॉट इक्वल टू b1 upon b2 इज नॉट इक्वल टू c1 upon c2, इस तरीके की मैंने कंडीशन बताई है कि जब आपका नो सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, और क्या होगा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो आप देखिए, स्टे होम।